पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी ईश्वर सिंह ने अपने साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आज आरोपी विक्रम सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। वहीं आज गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। और किसको गिरफ्तार किया? दिनांक 21/7/2020 को थाना सिविल लाइन पे ईश्वर सिंह जोधा नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिस पे थाना आजा पे मुकदमा दर्ज किया। अब तक अनुसंधान चल रहा था। आज हमारी टीम एसआई रणजीत सिंह जी, मेरे साथी पुलिसकर्मियों ने दो मुलजिम विक्रम सिंह और सुरेंद्र सिंह को आज गिरफ्तार किया। आगे अनुसंधान जारी है। कुछ मुलजिम अभी इसमें और हैं, उसके बारे में अनुसंधान जारी है। ईश्वर सिंह यहाँ पे प्रतापनगर निवासी है व्यक्ति, और ये रिश्ते में उसके भाई बंदी है इनके आपसे। हाँ, ईश्वर सिंह पुलिस में सिपाही है। कहाँ पे तैनात? ये गंज थाना में तैनात। पुलिस पे रहते हुए भी हमने हमला किया नहीं? ऐसा पुलिस और आम आदमी बराबर है, पुलिस का ऐसा कोई इश्यू नहीं हो। ठीक है, पुलिस के कर्मचारी हैं, बाकी उनके साथ झगड़ा हुआ जिसे जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ, उसी के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया। और अभी अनुसंधान जारी है, अभी दो लोगों को गिरफ्तार किया। विवाद किस चीज़ का था सर? ये जमीनी विवाद है।